मुंबई के वर्ली हिट एंड रन केस में फरार आरोपी महेश शाह को विरार से गिरफ्तार किया गया है। वो वहां पर एक फ्लैट में छुपा हुआ था, उसे वर्ली थाने ले जाया गया। इस मामले में पीड़ित परिवार ने इंसाफ की मांग की है और परिजन ये सवाल उठा रहे हैं कि आरोपी घटना के बाद मौके से फरार क्यों हुआ। तीन दिन के बाद वो पकड़ा जाता है, इसका मतलब क्या है? अगर वो अल्कोहलिक नहीं था, अगर वो नशा नहीं किया, अगर वो दारू नहीं पिया है, अगर वो ड्रग्स नहीं किया, तो वो छुपा क्यों? बताओ ना, आज तुमने जो योजना निकाली, लाडली योजना, आपकी लाडली बहन आज मर गई है, उसको खींच के लेके गया, कोई उसको संभाल नहीं हो रहा। नहीं, मेरे साहब ने खींच के लेके गया और बोलते हैं वो रिवर्स में डाला। अगर रिवर्स में डालता तो वो बच नहीं जाती क्या? बताओ, रिवर्स में डालती तो वो बच नहीं जाती। वी शुड गेट जस्टिस, माय मदर शुड गेट जस्टिस, आई वांट हिम टू गेट दिस हैंगिंग, लाइक शी इज इन रियली बैड पेन, उसको बहुत लगा है। आई सॉ हर विद माय आई The hospital, I saw her. She's in really bad pain. I want her justice. उसके पीछे कुछ नहीं बचा, उसके पीछे कुछ नहीं बचा, उसको घीस के लेके गया ना, कुछ नहीं बचा उसके पीछे, उसको थोड़ा भी दया नहीं आया। सुनील सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुनील, आप वहाँ बर्ली पुलिस स्टेशन पे मौजूद हैं, ये आरोपी जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, इस घटना का अपडेट आपके पास क्या है? देखिए निधि, तीन दिनों से जिसकी तलाश चल रही थी वो मुख्य आरोपी रईस जादा जो कि मीर शाह, उसकी तलाश में पुलिस उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसका भी इंट्रोगेशन किया था और जितने भी लोगों के संपर्क में आया था, जिस पे भी शक था, उनसे पूछताछ की थी, तकरीबन 15 से ज़्यादा लोगों से, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। वजह ये थी कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल वो लोग नहीं कर रहे थे, और दूसरी बात ये भी थी कि सिर्फ महिर शाह ही गायब नहीं था बल्कि उसकी माँ और दो बहनें वो भी गायब थी, तो ये शक था कि कहीं साथ में होंगे और वो छुपाने में मदद कर रहे होंगे। बहरहाल वर्ली पुलिस की टीम यानी जोन की यहाँ की तो जांच कर ही रही थी और उस पूरे मामले में लगभग 10 से ज़्यादा टीमें बनाकर उसकी तलाशी चल रही थी, लेकिन पैरेलल में समानांतर में क्राइम ब्रांच भी उसकी जांच कर रही थी, तलाश कर रही थी। तो आज जो है दोहरी सफलता मिली है, एक तरफ जो वर्ली पुलिस की टीम है उससे सफलता मिली, पता चला कि मीर शाह विरार के एक फ्लैट में है, वहाँ पर जाकर छापा मारा गया, दबिश मारी गई और वहाँ से उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसे अब यहाँ पर लाया जाएगा पुलिस थाने में, ये उम्मीद है। इसी लिहाज से हम लोग यहाँ पर वर्ली पुलिस थाने में यहाँ पर हैं। दूसरी तरफ जो माँ और दो बहनें जो थी वो शाहपुर में थी, जानकारी मिली तो क्राइम ब्रांच जो उन्हें ट्रेस कर रही थी उनके हाथ में वो चढ़ी हैं, तो उनको हिरासत में लिया गया है और हिरासत में लेके अब वो जब यहाँ मुंबई में लाएंगे तो उन्हें वर्ली पुलिस थाने को वो हैंडओवर कर देंगे, उनको दे देंगे, क्योंकि जो केस है वो वर्ली पुलिस थाने के पास है। अब वर्ली पुलिस थाने को तय कर रहा है कि माँ बहनों का अगर उसके भगाने में कहीं भूमिका है तो उसे आरोपी बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन तीन दिन कैसे वो छुपा रहा बोरीवली तक, उसका आखिरी लोकेशन जो है मिला था पहले दिन जब वो फरार हुआ था, पहले यहाँ से भागा वो बीकेसी के बांद्रा के जी कलानगर के पास गया था, जहाँ पर गाड़ी खराब हो गई BMW, इसे छोड़कर वो बोरीवली भागा, गोरेगांव में अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया, बाद में बोरीवली भागा, उसके बाद से उसका ट्रेस नहीं था। तो अब वो जानकारियाँ धीरे धीरे उभेगी। बहरहाल फिलहाल पुलिस चुप्पी साधे हुए है, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस को सफलता मिल गई आखिरकार तीसरे दिन मिहिर शाह को आखिर गिरफ्तार कर लिया। जी, जो आखिरकार वो गिरफ्तार हुआ है, लेकिन ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतने दिन वो मौके से फरार कैसे रहा और छुपा रहा वहाँ से हटके। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।